नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मैं बनवासी में हूँ। बनवासी वो शहर है जो पांचवी शताब्दी में जो मयूरा वर्मा कदम्बा के राजा जिन्होंने स्थापित किए थे यहाँ, यह बहुत सारा ऐतिहासिक कहानी है। देखिए मातोबरा श्री उमा मधुकेश्वर देवस्थाना बनवासी। चलिए मैं आप सबको अंदर क्या क्या देखेंगे। मयूरा वर्मा जी ने यहाँ राज करके गए थे और उसके बाद यहाँ की इतिहास बहुत है। दोस्तों आप सबको पता है जो हमारा एक कन्नड़ा फिल्म भी है, मयूरा फिल्म, जिसमें डॉक्टर राजकुमार जिन्होंने एक्टिंग किया है उसमें, और उसके साथ साथ हीरोइन है मंजुला। ये मंदिर भी है अंदर, उमा मधुकेश्वर मंदिर है। और देखिए पहले का जो हमारा सनातन धर्म उससे जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारे भारत की परंपरा है, ये हमारा कर्नाटक की परंपरा है जो बहुत नाम है। दोस्तों ये बनवासी ही नहीं, बनवासी में तो शुरू हुआ था जो कर्नाटका का जो इतिहास, जो लगभग 1800-2000 साल पहले का जो मंदिर है, ऐसे आर्किटेक्चर आजकल मिलेंगे हमारे भारत में? हाँ देखिए एक ही पत्थर में जैसे जोड़ा गया है और जोड़ के जो मंदिर बनाया गया है, आप ऊपर तक देख सकते हो और कितनी सफाई से काम हुआ है। ये तुलसी माता है, देखिए पुराना कितनी साल की जो तुलसी कट्टे बोलते हैं इसको हम, और यहाँ देखिए तुलसी माता। यहाँ तो दोस्तों हर घरों में आप सबको तुलसी बाहर, मतलब एक तुलसी माता के लिए तुलसी का जो वृंदावन बनाया हुआ होता है, और वृंदावन के सामने हर दिन सवेरा और शाम दोनों वक्त अपना रंगोली छोड़ा जाता है। यहाँ की कल्चर है, यहाँ की परंपरा है। देखिए ये सब पुराने हमारी परंपरा जो हमारे भारत के, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ आने के बाद, मैं था कि आप सबके लिए मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है, ये पुराना है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। स्वामी नप्पा, कोई गलती सकते माफ कर दो नप्पा। स्वामी कोई गलती सकते हो तो माफ कर दो स्वामी। भले मंदिर ताला लगा हुआ है मगर भगवान की मन में अपनी श्रद्धालुओं को लेके वो कभी ताला लगा ही नहीं सकते है ना। जो अपनी दुआ जो देते हैं वो दुआ देते रहते हैं। ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी हैं। नरसिम्ह स्वामी सबका मनोकामना पूरा करे, खुशियाँ दे, सुख शांति दे। नरसिम्ह स्वामी आप सबको पता है श्री हरि की ही एक अवतार है। जब ये भक्त प्रहलादा है ना, जब प्रहलाद अपनी पिताजी को जो अपनी भगवान बताओ, अपने भगवान बताओ, जब हिरण्यकश्यप जब ही पूछ रहे थे तो उन्होंने इस कम्बे में भी है क्या, इस कम्बे में भी है क्या, जब हिरण्यकश्यप जब ही पूछा तो प्रहलाद जी ने बोले मेरी हरि, श्री हरि हर कण कण में है, हर इसमें है। तभी क्या हुआ था, तभी उन्होंने इस कम्बे में है क्या, इस कम्बे में है क्या, जब ही पूछा तो हाँ इस कम्बे में भी है जब बताते तो उन्होंने खम्बा तोड़ के फिर बाद में जब ही नरसिंह स्वामी निकल के आए थे, फिर हिरण्यकश्यप का वध किए थे। जो ना अंदर ना बाहर, जो चौकट जहाँ होती है उस चौकट पे बैठ के तो हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में सुला के उसके अंदर का जो भी जो क्या कहते उसको आंते है ना, आंते सब निकाल के अपने हार पहन लिए थे आंते से हिरण्यकश्यप के। देखिए बहुत पुराना मंदिर है जो मयूरा वर्मा जी के समय का। मैं आप सबके लिए आई हूँ, यह सब दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। सिर्फ कर्नाटका का ही नहीं है, मैंने हमारा भारत के हर कोने कोने पे आऊँगी, हर स्टेट में जाऊँगी, हर स्टेट में जाके जहाँ जहाँ की जो जो परंपरा है, जो जो मंदिर है, कितने कितने पुराने मंदिर है, वो सब
मैं दिखाना चाहती हूँ। और श्री मधुकेश्वर भगवान को जो अभिषेक होता है, शिवलिंग पे जो अभिषेक होता है, वो सब इकट्ठा होता है पानी। वो पहले का ही आर्किटेक्चर कैसे देखे, 2000 पहले की कहानी है। तभी सब कुछ इंसानों ने अपने अपने सुविधा के लिए सब कुछ उन्होंने कैसे तैयार किए थे, है ना। तो वाकई में ये हमारा भारत है, संस्कृति भरा, हेरिटेज फुल, है ना, और कल्चर फुल हमारा कंट्री से। सबसे पहले नंदी बाबा कैसे बैठे हैं, कितने पुराने नंदी हैं और कितनी बड़े नंदी हैं, है ना। और यहाँ के जो पत्थर का जो एक एक आप कारीगर समझ सकते हो कैसे आर्किटेक्चर थे उस समय पे भी, 2000 साल पहले भी। और चलिए मंदिर पे भगवान का हम वो आशीर्वाद लेंगे। अंदर ही आई दो याद कदम्बा बादामी ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಆಳೆದು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾನ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಕದಂಬರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕರು ತಾಲೂಕರದ ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟು ವರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಂದಿವರೆಗೂ ಐದು ಮಂಟಪ ಐದು ಮಂಟಪ ಗರ್ಭ ಮಂಟಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂಟಪ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ನರ್ತ ಮಂಟಪ ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಐದು ಮಂಟಪಗಳು ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡು ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತಲುಪ ಮುಖ ತ್ರಾಸಿದೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಪಾರ್ವತಿ ನೋಡ್ತಾನ ಎಡಗಣ್ಣು ಪರಮೇಶ್ವರ ನೋಡ್ತಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ವಾಹನ ನಂದಿ ಅವನು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನೋಡ್ತಾನ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ದೇವರು ಮಾಯಾದೇವರು ನರ್ತ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಗಂಟೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರ ಓಂ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆ ಒಂದು ತಳ ಹೊಡೆದ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ हाँ दोस्तों, हर आप मंदिर में जाते होंगे वहाँ बहुत महाराष्ट्र पार्वती बाई मटकेश्वर के कारिक कुड़ पंचलो घंटे नानूर वर्ष के घंटे हाँ दोस्तों, यहाँ जो हमें पुजारी जी ने जो बताए हैं, यह पांच मंडप है, पांच मंडप पांच गर्भगृह है। एक तो जो स्वामी मधुकेश्वर जो बैठे हैं, भगवान मधुकेश्वर बैठे हैं, और दूसरा गर्भगुड़ी है, ये तीसरा गर्भगुड़ी है, और ये वाला नृत्य गर्भगुड़ी है, और एक नंदी बाबा का गर्भगुड़ी है। पूरे पाँच गर्भगुड़ी है। और इसके साथ साथ आप जो अभी हमने घंटा बजाए हैं, वो घंटा जो है तो हर घंटे में सिर्फ एक बार ओम बोल के आवाज़ आती है, मगर ये एक मिनट तक आवाज़ सुनने में मिलता है ना, आपने देखे ना। हाँ दोस्तों, यहाँ मंदिर का जो एक बहुत ऐतिहासिक रोचक विषय है, जो सबसे पहले वही सड़ा, तो उसके बाद में कदम्बा, फिर बाद में जो कहते हैं ना, जैसे हर मयूरा वर्मा जी ने जो यहाँ से उन्होंने राज करके गए थे, उनका नाम यहाँ कर्नाटका के अंदर क्या बात थी, बहुत बहुत उनके ऐतिहासिक नाम है। और उस टाइम पे जो मयूरा वर्मा जी जो थे, उस टाइम पे सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सबर की राजनीति होया करता था।